दोस्तों, इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाला पहला टेस्ट मुकाबला 12 जुलाई से डोमिनिका वेस्टइंडीज में खेला जा रहा है। ये मुकाबला भारतीय समयानुसार 7:30 बजे से खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और इंडियन टीम को पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम मात्र 150 रन पर ही ऑल आउट हो गई। वेस्टइंडीज की टीम ने पहली पारी में 150 रन बनाए, जिसमें सर्वाधिक रन एलिक अथेंजा ने 47 रन की पारी खेली। पहली पारी में इंडिया के गेंदबाजों में सर्वाधिक 5 विकेट अश्विन ने लिए। रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए, शार्दुल ठाकुर ने 1 विकेट लिया तो वहीं 1 विकेट मोहम्मद सिराज को मिला। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने पहली पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 421 रन बनाए, जिसमें भारतीय टीम में अपना पहला मैच खेलने वाले जायसवाल ने 171 रन की पारी खेली। जायसवाल ने अपनी पारी में 16 चौके और 1 छक्का लगाया तो वहीं रोहित शर्मा ने भी शतक लगाया। रोहित शर्मा ने 10 चौके और 2 छक्कों की मदद से 103 रन की पारी खेली। शुभमन गिल ने 6 रन, वहीं विराट कोहली ने 76 रन, अजिंक्य रहाणे ने 3 रन और रविंद्र जडेजा ने 37 रन की पारी खेली। दूसरी पारी की शुरुआत करते हुए वेस्टइंडीज 130 रन पर ही सिमट गई। वेस्टइंडीज की तरफ से सर्वाधिक रन एलिक अथेंजा ने 28 रन बनाए। जेसन होल्डर ने 20 रन की पारी खेली। दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाजों में सर्वाधिक 7 विकेट आर अश्विन ने लिए, 2 विकेट रविंद्र जडेजा ने लिए, 1 विकेट मोहम्मद सिराज को मिला है। दोनों ही पारी खेलकर वेस्टइंडीज 280 रन ही जुटा सकी। वहीं भारत की पहली पारी का स्कोर 421 रन रहा और भारत ने ये टेस्ट 141 रनों से जीत लिया है। रविचंद्रन अश्विन ने दोनों पारियों को मिलाकर 12 विकेट लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।